दोस्तों आप सभी को नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं YouTube चैनल आरबी वर्मा का मोटिवेशन में। तो दोस्तों आप लोग सोचते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखने से क्या होता है, बेकार है, बकवास है, छोड़ो हटाओ वीडियो इसके ऊपर देते हैं। लेकिन आप शायद जानते नहीं हैं कि आप किसी भी कार्य को करते हैं अगर नहीं कर पाते हैं या जिस भी फील्ड में हैं आपको समस्याएँ आती हैं, नाकामी मिलती है, तो दोस्तों वीडियो देखने से कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ होता है। आपको पता लग जाता है कि किस कारण ये असफल हुए थे और मैं किस कारण असफल हो रहा हूँ। आपको गलतियाँ महसूस होती है और उस गलती को सुधारने का मौका मिलता है आपको। तो दोस्तों इसी तरह मैं आपको एक वीडियो लेकर आया हूँ, समस्या का समाधान। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, लेकिन मिस मत करिएगा। और हो सकता है तो हमारे चैनल पर अगर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके अच्छा बोल दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगेगा तो अपने किसी दोस्त को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं समस्या का समाधान। किसी शहर में एक व्यक्ति था, वह हमेशा दुखी रहता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उससे दुखी व्यक्ति संसार में और कोई नहीं है। जब भी कोई उससे बात करता तो वह अपनी समस्याओं का बखान करने लगता। थोड़ी देर में साथ वाला व्यक्ति उठकर चला जाता है। इस बात से तो वह और परेशान हो जाता कि उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। तभी उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं जिसके पास सभी समस्याओं का समाधान है। यह जानकर वह महात्मा के पास पहुंचा। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था जिसमें कई ऊंट भी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ, मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। एक को सुलझाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है। मैं अपनी आप बीती किसी को सुनाता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है, अब आप ही बताइए क्या करूँ। महात्मा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भाई मैं अभी तो बहुत थक गया हूँ, परंतु कल सुबह मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो, मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है, आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो। जब सभी ऊँट बैठ जाएं, तब तुम सो जाना, मैं तुमसे कल सुबह बात करूँगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया, उसकी आंखें लाल थी। महात्मा ने पूछा, तो बताओ कल रात कैसी नींद आई। व्यक्ति बोला, गुरुजी मैं तो रात भर सोया ही नहीं, आपने कहा था जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब सो जाना, पर ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोशिश करके एक ऊँट को बैठाता दूसरा खड़ा हो जाता, सारे ऊँट बैठा ही नहीं, इसलिए मैं भर रात सो नहीं सका। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि इतने ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठ सकता, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति क्रोधित होकर बोला, महात्मा जी मैं आपसे हल मांगने आया था, पर आपने भी मुझे परेशान कर दिया। महात्मा बोले, नहीं भाई, दरअसल यह तुम्हारे समस्या का समाधान है। संसार के किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊँटों की तरह ही है, एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। अतः सभी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। समस्याएं तो जीवन का ही अंग है, इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। दुनिया किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्याएं सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। महात्मा जी की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमड़ पड़े, मानो
उसे अपनी सभी समस्याओं से निपटने का अचूक मंत्र प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, यह मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर मैं एक बार फिर कहूँगा, ज़रूर करना। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद दें।